घर से गिरफ्तार किया एल्विश को? नहीं जी, हमें बुलाया गया था नोटिस के तहत कि आपका बयान दर्ज करना है, और मैं अपने इस बच्चे के साथ ही गया था। और वहाँ पे उन्होंने पहले कहा थोड़ी देर में आना है, और हम किसी रिश्तेदार के रुक गए वहाँ पे। वहाँ हमने लोकेशन भेज दी कि हम वहाँ बैठे हैं, ले जाओ भाई, कर लो क्या बयान दर्ज करना है। ठीक है, उसके बाद वो सीधा मेडिकल कराया उन्होंने, और भाई सीधा हिरासत में। बस तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि बुलाया था बयान दर्ज करने के लिए, और फिर अचानक से, मतलब आप लोगों को अंदाजा भी नहीं लगा, और एकदम से गिरफ्तार नहीं? अगर ऐसा होता तो ये तो आप समझते कि कौन ऐसे, मतलब अपनी सारी पहले तैयारी करके सब चीज़ जाता है। अगर ऐसा होता, संडे के दिन भी था, कई मतलब नॉर्मल वे में कि बेटा अच्छी तरह अपना जो भी लिखवाना लिखवा ले आज, और भाई अपना। लेकिन अब तो मतलब वाइल्ड लाइफ एक्ट से बात इतनी आगे बढ़कर NDPS एक्ट तक पहुंच गई है, जिन धाराओं में यहां पर गिरफ्तारी हुई है एल्विश की, इसमें तो जमानत भी नहीं होती आसानी से, तो बहुत बुरे फंस गए एल्विश यादव। देखो जी, इसमें तो अब क्या करें हम, क्या किया उन्होंने, ये तो हमारे क्षेत्र से बाहर की बातें हैं भाई, ना हम चीज़ों से कभी गुजरे हैं ना हमें पता है। ये तो आप लोगों से ही अपील है कि आप अभी आपके पास कहाँ से सूचना आई है, मीडिया जो चला रहा है कि भाई वो तो ऐसा है ऐसा है, जो भी है, बाकी हमारा बच्चा बिल्कुल निर्दोष है जी। ABP News, आपको रखे आगे।